हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल दोबारा आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। अभी भी मैंने एक वीडियो बनाई और उसके बीच में मुझे एक टॉपिक याद आ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने अपने क्रू के साथ डिस्कस किया, मेरे प्रोड्यूसर साहब से डिस्कस किया भी हाँ मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ आपको बोलना चाहिए और आप खुल के बोलिए। तो आज मैं बड़ा ही खुल के आपके सामने वो टॉपिक लेके आऊँगा भी क्यों उसको बोलना चाहिए था और वो क्यों इतना जरूरी है भी आपके पास सबके पास वो चीज़ पहुँचे। वैसे ही मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई और मैं बिल्कुल चार्ज हूँ उसके लिए बोलने के लिए। पिछले जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था लाइफस्टाइल और बॉडी बिल्डर कैसा होना चाहिए, पर मैं आज आपको बता एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि उनको प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। अब हमारे इंडिया में क्या है कि एसोसिएशंस बहुत बन चुकी हैं, है ना, भी एक एसोसिएशन इधर है, एक इधर है, चार चार पाँच पाँच तरह की एसोसिएशन है और एक बॉडी बिल्डर जो कम्पीट करता है वो किसी एसोसिएशन से खेलता है। तो उस एसोसिएशन से खेलने से उसको क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है वो भी मैं आपको आज बताना चाहूँगा। बेनिफिट तो उसको ये होता है भी वो एसोसिएशन कहीं पे भी कंपटीशन करेगी तो वो जाएगा खेलने, ठीक है, पर ये है कि उसको एक जो उसको बेनिफिट नहीं हो रहा वो ये भी तू किसी और एसोसिएशन में खेल नहीं सकता। भाई यार वो एथलीट है यार, उसे फ्रीडम है खेलने की, उसने तैयारी की है, तुम तो उसे बाउंड कर रहे हो यार। नहीं, एक अगर अगर कोई एक एथलीट है उसको आप वो एक स्पोर्ट्स के लिए उसने तैयारी की है, आप उसको रोक कैसे सकते हैं भाई आप वहाँ नहीं खेल सकते। दैट इज़ रॉन्ग। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है भी अगर तू इस एसोसिएशन से खेल रहा था तो दूसरी में नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा भाई, वो स्पोर्ट्समैन है यार, वो खेलेगा, वो उसके लिए तैयारी करके, आप उसको कैसे रोक सकते हैं मैं नहीं खेल सकता हूँ। मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मैं आपके सामने बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं डरता किसी से, कोई आए, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने बना रहा हूँ और मैं आज में बिल्कुल दिल खोल कर बिल्कुल सच्चाई बोलूँगा आपके सामने। एक एथलीट है अगर वो तैयारी कर रहा है किसी भी कंपटीशन के लिए, एग्जांपल चलो आज मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूँगा, अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इंडिया के अंदर जो आज़ाद देश है भाई, मेरे को उसके अंदर बाउंडिंग नहीं चाहिए किसी की, तो मैं किसी एसोसिएशन से हर एक से क्यों नहीं खेल सकता, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। अब आप लोग ही मुझे ये जवाब देंगे कमेंट्स के अंदर इस वीडियो की भी क्यों नहीं खेल सकते हम, क्यों, क्या मैंने उसकी तैयारी नहीं की, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, इतना भेदभाव क्यों अभी भी है यार, अभी भी है इंडिया के अंदर। आप कहते हैं इंडिया आज़ाद देश है, कहाँ आज़ाद है यार, कहीं आज़ाद नहीं है, बहुत बाउंडेशंस हैं यहाँ पे एथलीट्स को, अभी भी वो कहीं तू यहाँ नहीं खेलेगा तू वहाँ खेल रहा है, वहाँ से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा तो अगर आप स्टेज पर भी खड़े हो टैन कलर लगा के, अगर बॉडी बिल्डर खड़ा है तो उसको स्टेज से उतार देते हैं, नहीं तो दूसरे एसोसिएशन से खेल रहा था तो यहाँ नहीं खेलेगा, व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट द हेल इज़ दिस, वो तैयारी करके आया, वो उसने लाखों रुपये अपने शरीर पर लगा दिया यार, तुम उसको कह रहे हो वो खेल नहीं सकता, ये कहाँ की बात हुई वो नहीं खेल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं एथलीट्स के साथ, तभी तो लोग बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स को इतना बुरा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब लोगों के साथ होता है तो बोलते हैं पार्शियलिटीज़ होती हैं यार, क्यों नहीं होती, कॉम्पिटिशन में सबके साथ होती हैं, हमारे साथ मेरे साथ कितनी बार हुई हैं, लोगों के साथ कितनी बार हुई हैं, ठीक है, कोई लोग बोल नहीं पाते बस, क्यों, क्योंकि उनका एसोसिएशन का डर है, मुझे नहीं है किसी का, मेरे को कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। मैं एक एथलीट हूँ, मैं एथलीट के वे से बोल रहा हूँ, मैं अपने भाइयों की तरफ से बोल रहा हूँ, अपने बॉडी बिल्डर भाइयों की तरफ से, मुझे दुख होता है भाई अगर कोई इतना तैयारी करके गया और तुम उसको स्टेज से उतार दो और तुम उसको मना कर दो भाई तुम्हें इधर नहीं खेलना, तो उसको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना भाई, लाख रुपये अगर आपने अपने शरीर पर लगा दिया, 2 लाख रुपये खर्च दिया, उसके बाद आपको खेलने को नहीं मिल रहा, व्हाट इज़ दिस यार, ये तो बिल्कुल आप नॉनसेंस कर रहे हो एथलीट्स के साथ। तभी तो लोग ये स्पोर्ट्स को बुरा बोलते हैं, तभी स्पोर्ट के अंदर आना नहीं चाहते बॉडी बिल्डिंग के अंदर, तभी लोग बोलते हैं इसके अंदर पैसे ही नहीं, ये स्पोर्ट्स को इन्होंने एसोसिएशन ने ख़राब कर रखा है, एथलीट ने कहाँ ख़राब किया यार, आप लोगों ने ख़राब कर रखा है। और उसके बाद अगर एथलीट बोलता है तो उसके ऊपर बैन लगा देंगे, भाई यहाँ से नहीं खेलेगा, यहाँ से नहीं खेलेगा, ये क्या बात हुई। फिर आप बोलते हो इंडिया मेडल नहीं लेके आता, बाहर जाते एशिया खेलने जा रहा तो इंडिया के मेडल नहीं आ रहे, मेडल में आप बंदे ही ऐसे लेके जाते हो जो मेडल के लायक ही नहीं है, तो मेडल कहाँ से आएंगे, जो मेडल वाले बंदे उनको तो अपने घर बिठा दिया बैन लगा के, जो तो पैसा दे रहे हैं आपको तो वो ठीक है, जो नहीं दे सकते यार उसको कम से कम उसको खेलने का मौका तो दो, उसको परफॉर्म तो करना, तो वो कैसा कर सकता है, आपने बिना देखे उसको उतार दिया। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हूँ, तो मेरा बस यही था इस वीडियो के थ्रू आपके सामने लेके आने का, बॉडी बिल्डर के साथ यहाँ पे बहुत कुछ होता है, मैं आपके सामने आज ये वीडियो लेके आऊँ इसी करके लेके आऊँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई इतना सफ़र कर रहे हैं वो ये सफ़र ना करें, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं यार हमारे देश के अंदर, तब भी हमारे साथ पार्शियलिटीज़ होती हैं, क्यों हमारे एथलीट्स को क्यों नहीं दिया जाता सब कुछ, क्यों नहीं दिया जाता, दूसरों को क्यों दिया जाता है, भी वहाँ से यार ईरान से एथलीट आया था उसको दे दो यार,
है ना, इधर से एथलीट आया था खेलने, उसको दूंगा। इंडिया के एथलीट्स में क्या प्रॉब्लम है यार, बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे एथलीट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एथलीट्स हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो चलिए गिनती नहीं खत्म होगी, ठीक है ना। तो उनके साथ ऐसा अप एंड डाउन क्यों होते हैं उनके साथ, क्यों ऐसा क्या नहीं है हमारे पास भाई जो उनके पास है। हमारे साथ पार्शलिटी होती है हमेशा, जजेस पार्शलिटी करते हैं हमारे साथ। हमारे इंडिया वाले जज बोलते ही कुछ नहीं, बैठे हैं वहाँ पे जजिंग करने। भाई अगर तुम अपनी टीम के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो बैठे क्यों हो यार, उड़ जाओ वहाँ से, क्या फायदा। वैसे भी हमने हार नहीं है, वैसे बाहर आ जाओ, क्या लोड है। ऊपर जाते हैं वो अपनी वहाँ पे खेलो भी, उसका बने भी कुछ ना, तो क्या फ़ायदा है फिर यार, उसको कोई फ़ायदा नहीं। एथलीट्स को बहुत बुरा लगता है यार, मेरे को लगता है बुरा, मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरे को कई एथलीट्स बहुत पसंद है, मेरे को बुरा लगता है जब वो खेलने जाते हैं। मैं आप जाता हूँ जब हमारे साथ भी होती हैं ये पार्शलिटीज, तभी तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्या फ़ायदा करने का, जब हमें तुमने उतारना ही है नीचे, हमें कुछ देना ही नहीं, तो हम क्यों खेलें। तो यही है ना, वो बड़ा इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा यार, डिसएडवांटेजेस होती हैं इन चीज़ों की। तो मुझे बड़ा बहुत मेरे को बुरा लगता है, तो आज मैं तभी ये वीडियो आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। मैंने अलग से बनाई है ये कहने के लिए भी नहीं, ये चीज़ अगर होएगी तो फिर प्रॉपर करो, अदरवाइज ना ही करो, फिर बंद कर दो यार, क्यों कर रहे हो फिर ऐसा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं बहुत खुश होऊंगा, बिकॉज बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है और बिल्कुल नेचुरल वे से यार, जो मेरे अंदर है, मैंने बोल दिया यार, मैं डरा नहीं किसी से बोलने के लिए। तो आप नीचे लिंक है रोलिंग फिल्म एंटरटेनमेंट, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें जितना कर सकते हैं। ये उनके कानों तक वीडियो पहुँचनी चाहिए भी, हाँ मैंने बनाई है, मेरे से बात करें वो आके, मैं उनको भी ऐसे जवाब दूंगा जैसे यहाँ बोल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।